हेलो, माय नेम इज शिदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक फिल्म जिसका नाम है नंजम पटाशम, जिसको डायरेक्ट किया है सत्यम अंकिहाद ने। और भाई साहब, क्या फिल्म है ये! मतलब मैं पता नहीं, कई सब फिल्में देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों बॉलीवुड की फिल्में और तेलुगू पिक्चरें देखता था, जस्ट बिकॉज उसमें एक्शन होता है, मसाला होता है। अच्छा, कहीं ना कहीं लेवल पर तेलुगू फिल्में इंटरेस्टिंग होती हैं, बॉलीवुड फिल्मों ने वो सब खत्म कर दिया है। बट जो मलयाली सिनेमा है और जो तमिल सिनेमा है, ये अभी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनकी फिल्में चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक रेशियो मेंटेन करके रखते हैं अच्छी फिल्मों में और कमर्शियल फिल्मों के बीच में। पर हमने कमर्शियल फिल्मों को बहुत फॉर्मूलाई कर दिया है। हमने करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से सीखा है कमर्शियल फिल्म कैसे बनाई जाती है, पर अब वो जो फार्मूला उनका वर्क करता था, अब वो फार्मूला वर्क नहीं कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए अपने सिस्टम में। बट एनीवेज, इस पिक्चर की बात करते हैं तो इस पिक्चर की सबसे खासियत जो इस पिक्चर की है वो है फहाद फाजिल। और फहाद फाजिल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। जितनी फिल्में मैं इसकी देख सकता था, जो अमेज़न प्राइम पे या हॉटस्टार पे या फिर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल थी, मैंने सारी पिक्चरें देख ली। और मेरी जर्नी शुरू हुई थी ट्रांस से, और बाकी जो मैंने पिक्चरें डाउनलोड करके देखी हैं इसकी, वो सब भी मैंने मतलब देख ली। और ये आदमी अपने आप में कमाल है। मैं इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो कि मैं बनाऊंगा इवेंचुअली। अगेन कमिंग बैक टू दिस फिल्म, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मुझे वापस ले आया। तो ये फिल्म लिखी है बेसिकली श्रीनिवासन ने। श्रीनिवासन मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लिखी हैं। और इनका जो जॉनर है वो है सटायरिकल कॉमेडी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो उसके डायरेक्टर हैं सत्यन अंकिहाद, वो भी 1980 से काम कर रहे हैं, और उन्होंने भी करीब मेरे ख्याल से 100 पिक्चरें तो बनाई होंगी, और उसमें ज़्यादातर पिक्चरें उनकी मोहन लाल के साथ हैं। और मोहन लाल तो आपको पता है कि सुपर डुपर हुपर मुपर स्टार हैं वहाँ के, और कमाल के एक्टर हैं। अभी भी जितने अगर आप मलयालम सिनेमा की लिस्टिंग में जाओगे कि जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है मलयालम सिनेमा की, तो उसमें मोहन लाल का नाम सबसे पहले आएगा। सो ये पिक्चर सत्यम अंकिहाद ने बनाई है, और फहाद फजल के साथ वो पहली बार काम कर रहे थे। जो स्टोरी है पिक्चर की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मतलब शुरुआत से आप पिक्चर में हुक्ड अप हो जाते हो। हालांकि इसका जो टेस्ट है फिल्म का वो सबके हिसाब का नहीं है, क्योंकि कई लोगों मैंने पिक्चर रिकमेंड की, उनको ये पिक्चर उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे लगी। पर आज अगर कोई मुझसे पूछे आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं, तो शायद नंजम प्रकाशन का नाम मैं, नंजम है या निज़ाम प्रकाशन है, आई डोंट नो, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता मलयालम लैंग्वेज सही से, बट ये पिक्चर मेरे टॉप 5 लिस्ट में ज़रूर आएगी। क्योंकि अगेन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, स्टोरी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टोरी में जो मुझे दिखी इसमें, बट इसके बाद भी एक चीज़ होती है ट्रीटमेंट। और डायरेक्टर जो इतना एक्सपीरियंस होता है, वो आपको एक फिल्म दिखाता है जिसके हर एक सीन इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसकी वजह से आप वो फिल्म देखना चाहते हो। और इतने एक्सपीरियंस लोग जब एक साथ आते हैं तो अच्छी पिक्चर ही बनती है। तो बेसिकली जो इसका जो करेक्टर है प्रकाशन, वो अपने नाम को पसंद नहीं करता है, तो उसने अपना नाम आकाश रख दिया है। सो नंजम प्रकाशन जो है वो बेसिकली स्टोरी है आकाश नाम के एक लड़के की, जो कि बहुत ही नलायक लड़का है, जो जिसने नर्स का कोर्स किया है, पर फिर भी नर्स का कोर्स करने वाले से लगता है कि नर्स की नौकरी सिर्फ औरतों करनी चाहिए, तो थोड़ा सेक्सिस्ट थिंकिंग है उसकी इस मामले में। बट उसको लगता है कि नर्स के काम में पैसा नहीं है, और वो हमेशा पैसा कमाने की सोचता है या शॉर्टकट में कुछ करने की सोचता है। तो ये हमें थोड़ा सा अक्षय कुमार की याद आती है। जब मैं पिक्चर देख रहा था तो मुझे लगा कि इस पिक्चर का रीमेक होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का ही आया कि अक्षय कुमार को ये पिक्चर करनी चाहिए। तो ये जो है ये अपने मेथड्स ढूंढते रहते हैं पैसा कमाने के, और हर बार चुतियापे के मेथड्स ढूंढते हैं, और हर बार इनको लॉस होता है। तो उसमें इनको रियलाइज होता है कि अगर ये फॉरेन चले जाएं और फॉरेन जाके नर्स का काम करें, तो वहां पे इनको काफी पैसा मिलेगा, क्योंकि इंडिया में तो नर्स के काम में ना पैसा है ना इज्जत है। तो ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को, जिससे कभी इनको प्यार हुआ करता था, उसको ये वापस मिलते हैं, तो पता चलता है कि वो भी एक नर्स है और वो जर्मनी जाने का प्लान कर रही है। तो इनको लगता है कि अगर मैं उससे शादी कर लूं और वो जर्मनी चली जाए, तो मेरे को अपना वीजा मिल जाएगा जर्मनी जाने का, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब ये लड़की को जाने के सब वीज़ा वीज़ा तैयार हो गया, पर इसको एंड मोमेंट में पता चलता है कि इसको 3 लाख रुपए चाहिए जर्मनी जाने के लिए। तो ये जो होता है प्रकाश, ये इसके एक जानने वाले होते हैं जिनके यहाँ ठहरा होता है, वो इसके फादर के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको इमोशनल कर करके उनसे पैसे निकलवा लेता है। उनके पास पैसे होते नहीं हैं, तो वो अपनी बीवी का हार चोरी करके इसको पैसे दे देते हैं। अब ये पैसा उस लड़की को देता है, और लड़की जर्मनी चली जाती है। जर्मनी जाके इसको पता चलता है कि लड़की ने उसका चूतिया काट दिया, वहाँ पे लड़की किसी और से शादी कर लेती है, और यहाँ ये उसके फैमिली की टेक केयर कर रहा है, उन लोगों का ध्यान रख रहा है कि वो वापस आएगी और मैं उसके साथ जर्मनी जाऊँगा। और इसको ये बताया था इन लोगों ने कि इटली से इनकी चाची आने वाली है, जो इनकी प्रॉपर्टी में खरीद के इनको पैसा दे देंगे, तो उस पैसे में से 3 लाख रुपये इसके वापस हो जाएंगे। तो पता चलता है वो सारा स्कैम था, लड़की और उसकी फैमिली ने तगड़ा चूतिया काट दिया है भाई साहब। सो
ये वापस वहीं से पहुंच जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किया, तो ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो आदमी जिससे इन्होंने पैसा लिया था वो इनका पीछा करता है और इनको अपने जो काम करता है उसमें लगा देता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, मजदूरों के साथ बिल्डिंग में जो मजदूर काम करते हैं ईटा भट्टी उठाने का, वो काम करवाता है उन लोगों से, और उसका वो कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली, तो वो इसको भी उसी काम में लगा देता है। कुछ टाइम ये काम करता है, उसको पता चलता है कि मेहनत बहुत है और पैसे बहुत कम मिलते हैं, वहाँ से उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है, पर पैसे तो उसको चुकाने हैं उस आदमी के। तो वो आदमी एक और इसकी हेल्प करता है, वो इसको एक नर्स की जॉब दिलाता है एक लड़की के यहाँ। अब यहाँ थोड़ी स्टोरी चेंज होती है, अब जो लड़की है टीना करके, तो वो बहुत ही रिच स्पॉइल्ड लड़की है, और जब पहली बार उससे मिलता है प्रकाश तो वो उसके पीछे कुत्ते छोड़ देती है। खैर धीमे धीमे इन लोगों की दोस्ती डेवलप होती है, लड़की को जंक फूड का बहुत शौक है और उसकी एक फ्रेंड है श्रुति करके जो अक्सर उसको जंक फूड देके जाती है, तो प्रकाश जो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, पर बाद में दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो उसको अपनी अपनी कहानियाँ सुनाता रहता है। और उसको धीमे धीमे पता चलता है कि लड़की को एक टर्मिनल कैंसर है माइंड का, ब्रेन ट्यूमर टाइप का कुछ है, कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर, आई थिंक ब्रेन ट्यूमर है उसको माइंड का, जो कि बहुत ही टर्मिनल है और वो कुछ टाइम के लिए ही जिंदा है, कुछ टाइम बाद वो मर जाएगी। तो ये उसको अलग अलग कहानियाँ सुनाता है, मोटिवेट करता है कि यूएस में भी ऐसे केस हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपसे 3 महीना 6 महीना जिंदा रहोगे, पर ट्यूमर अपने आप ठीक हो गया और वो आदमी सालों साल जिंदा रहा। इस तरह कहानियाँ सुनाता रहता है, और इसी कहानी एक दिन कहानी सुना रहा होता है, उसी दौरान उस लड़की की डेथ हो जाती है और वहाँ से उसकी ज़िंदगी वापस चेंज होती है और उसको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी इज़ वेरी सीरियस, और वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद कर देता है और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि बड़ी सीरियस टाइप की कहानी है, बड़ी घालमिल टाइप की कहानी है, पर ये कहानी हो सकता है मैंने आपको उतने अच्छे से नरेट ना किया और जितने अच्छे से फिल्में दिखाई है। अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहानी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, उतना बिल्डअप नहीं है, पर जो ट्रीटमेंट है फिल्म का आप पिक्चर को छोड़ नहीं पाओगे। अब जो छोटी छोटी एंटिक्स हैं जो फहद फाजिल का कैरेक्टर ने इसमें करी है, जब फहद फाजिल ने जो एक्टिंग करी, खासतौर पर मुझे उसका एक सीन, दो सीन खासतौर पर इतने अच्छे लगते हैं जिसमें वो बेटा खाना खा रहा है और कैमरा वाला आता है तो वो बहुत तमीज़ से खाना खाने लगता है, और जैसे ही कैमरा वाला जाता है वो वापस कुत्ते की तरह हॉगिंग शुरू कर देता है। और एक सीन मुझे और अच्छा लगा कि वो एक लड़की है, मतलब उसका आप हमें हरामीपन और कमीनेपन की हद देखिए, कि उसका दोस्त उसको एक जगह लेके जाता है कि मैं एक लड़की को देखने जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलोगे, तो वो लड़की को देखता है और लड़की बहुत खूबसूरत निकलती है, तो वो अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए मना कर देता है लड़की देखने के लिए कि लड़की, इस लड़की की शादी मत करो, लड़की का करेक्टर अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उस लड़की को खुद पटाना चाहता है, खुद की औकात नहीं है उसकी उस लड़की से बात करने की, पर उसको पटाने की फिर कोशिश करता है। तो उसमें एक सीन है जिसमें लड़की जा रही होती है और ये उसके तरफ से निकलने की कोशिश करता है, उसको हाई करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की जवाब ही नहीं देती है और ये निकल जाता है। तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन है फहद फाजिल के, कमाल है। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनका फिल्म से कोई रेलिवेंस नहीं है, पर इसके करेक्टर को डेवलप करने के लिए उन्होंने डाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे एक जगह वो एक कार को गलत एड्रेस बता देता है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सीन, मतलब कि ज़बरदस्ती लोगों से खुन्नस खा रहता है। जो भी आदमी बहुत सक्सेसफुल होते हैं जिनके पैसे होते हैं उनसे खुन्नस खा रहता है, इसको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ सारी सक्सेस पर मुझे मिल नहीं रही है। तो ये इस करेक्टर की प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरह से फहद फाजिल ने करेक्टर किया है, आई डोंट थिंक एनी अदर एक्टर कैन डू इट, इवन अक्षय कुमार भी उतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना फहद फाजिल कर सकता है, क्योंकि उसके चेहरे पे एक अलग सी इनोसेंस है। और फहद फाजिल का जितना वैरायटी मैंने देखा है कि वो साला सीरियस रोल भी कर लेता है, कॉमेडी रोल भी उतने अच्छे से करता है और इमोशनल रोल भी करता है, विलेनियस रोल भी करता है। कुम्बलांगी नाइट्स में अगर आप देखेंगे तो उसने विलेनियस रोल किया है। तो इस फिल्म की यही खासियत है कि ये पिक्चर अगर चली है तो सिर्फ इसी वजह से चली है। इसमें एक और मेट्रो सीन है जिसमें वो लड़की जो जर्मनी जाके उसको चूतिया काटती है उसके साथ बैठा होता है और उसको कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, और जितनी बार उसको कन्विंस करता है वो लड़की कुछ अलग ही जवाब देती है। तो उसकी तरफ जिस तरह से वो देखता है, यार क्या बेवकूफ़ लड़की है, जैसे उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये अलग ही टेंजेंट पर जा रही है। तो वो इतने फनी एक्सप्रेशन देता है कि इट्स अ लाइट हार्टेड थिंग, इट्स नॉट कि आप हाहा करके हंसोगे, बट यू विल फील वेरी गुड वाइल वॉचिंग दिस फिल्म। उसका कमीनापन देख के आपको कभी उससे नफरत नहीं होती। तो ये भी एक बहुत ही सिल्वर लाइनिंग है कि कभी कभी करेक्टर्स को हम ऐसे ट्रेट देते हैं जहाँ पे हमें उनको देख के, मतलब जब वो कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें नफरत होने लगती है उनसे, पर यहाँ पे जब आप प्रकाश का करेक्टर देखते हो तो आपको उससे कभी भी नफरत नहीं होती है। उसकी हरकतें बहुत ही क्यूट हैं, वो इनोसेंटली कर रहा है, वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं कर रहा है। बेसिकली ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी हुए हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कुछ चीज़ों में धोखा दिया था पर्सनल लाइफ में, तो बाद में जब मैंने उनसे मिला, उनसे चीज़ें क्लियर करी, तो मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो अपना भला करने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रकाश उन लोगों में से है जो हार्मफुल नहीं है दूसरों के लिए, वो सिर्फ अपना भला करने का सोचता है। उसमें अगर दूसरे का बुरा हो रहा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि उसने अपने
फादर के डिसिपल को या शिष्य को कन्विंस किया कि अपने बीवी का हार चुरा के लाओ और मुझे पैसे दे दो, तो वहाँ पे वो उसका बुरा नहीं सोच रहा है कि उसको पुलिस पकड़ सकती है या चोरी के इल्ज़ाम में हो जा सकता है या उसकी बीवी से झगड़ा हो जाएगा उसका, वो ये सोच रहा है कि मेरा भला कैसे हो, मैं कैसे आगे निकल जाऊँ। और फिर वो जब सारी चीज़ें निकल खुल जाती हैं कि उसकी जो जिस लड़की को उसने पैसा दिया था वो जर्मनी चली गई है, उसकी फैमिली भाग गई है, तो वो खुद भाग रहा होता है जब उसको पकड़ लेते हैं। तो इट्स वेरी फनी, तो ये करेक्टर बिल्कुल भी हीरोइक नहीं है। तो इसका जो करेक्टर ट्रांजिशन है, आई थिंक दैट वॉज द बेसिस ऑफ दिस फिल्म। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फिल्म की वही है कि इस कैरेक्टर में जो ट्रांजिशन है वो बहुत तगड़ा है। मतलब कि एक लूजर टाइप का आदमी जो कि अपने आप को बहुत शाना समझता है, वो एक ऐसी चीज एनकाउंटर करता है जो उसने करी नहीं है। उसने लाइफ में डिस्पाइट नॉट बीइंग वेरी रिच, उसने लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी, और ये पहली टाइम है जब वो अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और उसकी लाइफ वहीं से चेंज होना शुरू होती है। सो मैं इस फिल्म को 100% रिकमेंड करूंगा कि आप ये पिक्चर देखिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और मेरा बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है कि आप इसको देखिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पिक्चर कैसी लगी, क्योंकि मुझे ये एश्योरेंस है कि ये पिक्चर आपको बहुत बढ़िया लगेगी। बहुत बढ़िया पिक्चर है, इसके हज़ारों रिव्यूज़ पड़े होंगे मेरे ख्याल से यूट्यूब पे, और मैंने ऐसा कोई रिव्यू देखा नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सबने इसको अच्छी रेटिंग ही दी होगी। और थोड़े से कैरेक्टर सुपरफिशियल हैं, उस बारे में कुछ लोग लिख सकते हैं कि चलो ठीक है कैरेक्टर सुपरफिशियल डेवलप नहीं है, क्योंकि कुछ फिल्में होती हैं जो हाई कॉन्सेप्ट होती हैं जिसमें कैरेक्टर्स को बैकग्राउंड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है और हर कैरेक्टर को इज्जत देनी ज़रूरी नहीं होती। हालांकि अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा होता तो मैं शायद कुछ और कैरेक्टर्स डालता और उनके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको और वेटेज देता। जैसे सेकंड स्टोरी है जो लड़की की है, टीना की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको मैं बनाने की कोशिश करता। और जो श्रुति का लव एंगल था इसके साथ, मतलब प्रकाशन प्रकाश को बेसिकली श्रुति से वन साइडेड लव होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल था जिसको मैं डेवलप करता। पर शायद अच्छा हुआ कि इन्होंने उसमें डेवलप नहीं किया, उसको एक लेवल पे लाके छोड़ दिया। श्रुति से जब वो बात कर रहा होता है तो एक सीन है जिसमें कुछ गुंडे उसके पीछे भागते हैं और वो भागता है, तो जिस तरह से फहाद फाजिल भाग रहा है अलग ही एक्सप्रेशन देके, अगेन इसमें बहुत ही छोटे छोटे नुएंसेज हैं इस पिक्चर में जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब मैंने पिक्चर को दोबारा तो नहीं देखा, पर मैंने इसके सीन्स जो हैं जो यूट्यूब पे पड़े हैं वो मैं बार बार देखता रहता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस पिक्चर को देख के। सो मैं रिकमेंड करूँगा ये पिक्चर आप भी देखिए। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैंने इतना तो गप्पे मार लिए आप लोगों के साथ इस पिक्चर को लेकर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और मैं ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ करता रहूँगा। अगर आपको मेरे मूवी रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, और देखते रहिए क्षितिज सेज़ व्लॉग। बाय बाय।